उत्तर प्रदेश के हरदोई के जिला अस्पताल में उस समय हंगामा हो गया जब भाजपा सांसद के गनर ने एक स्वास्थ्य कर्मी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल कर जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन किया, जिससे भाजपा नेताओं में खलबली मच गई। काफी देर बाद भाजपा नेताओं की मौजूदगी में हस्तक्षेप के बाद गनर ने हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांगी, जिसके बाद मामला शांत हो सका। दरअसल शनिवार को जिला अस्पताल में जन औषधि दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी। इसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने आए सांसद जयप्रकाश व अशोक रावत जब मंच पर थे, इसी बीच एक गनर ने अस्पताल में तैनात ईसीजी कर्मचारी ऋषि को थप्पड़ मार दिया। बताया जाता है कि शौचालय का दरवाजा बंद करने को लेकर भाजपा सांसद का गनर नाराज हो गया और थप्पड़ जड़ दिया, जिससे अस्पताल कर्मी नाराज हो गए और काम काज छोड़कर हंगामा करने लगे। पता चला कि यह गनर सांसद अशोक रावत का था। थप्पड़ मारने के मामले में के बाद अस्पताल कर्मी काम बंद कर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए उग्र होने लगे। मामला बढ़ता देख मौके पर मौजूद भाजपाइयों ने अस्पताल कर्मियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अस्पताल कर्मी नहीं माने। इसके बाद सांसद के गनर को बाहर लाया गया और फिर उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, तब हंगामा शांत हुआ। कार्यक्रम के जो जन औषधि केंद्र हैं जिले जिले पे और हर जिले में करीब 6200 जन औषधि केंद्र 700 जिलों में अभी तक है, पूरे मतलब हिंदुस्तान में खोले गए हैं। सर, सवाल हमारा ये है कि जन औषधि केंद्र के उद्घाटन के समय में हंगामा हो गया था, आपके गनर पर आरोप है और उसके बाद उसने कान पकड़ के माफी मांगी, इसको किस नजरिए से पूरा? मेरी जानकारी में अगर उसने ऐसा कुछ हुआ है और उसने सरकारी कर्मचारी ने अगर कुछ ऐसा किया तो मैं तो ऐसे कर्मचारी को अपने पास नहीं रख पाऊंगा। मैं वापस कप्तान साहब को कह दूंगा, ये वापस बुला लीजिए, उनको भेज दूंगा वापस। सूरज यादव कांस्टेबल है सांसद जी का नाम, और मैं टॉयलेट के लिए गया हुआ था अपने स्टाफ रूम में ही। स्टाफ से जब बाहर आया तो ये बाहर खड़े हुए थे, बोले मुझे भैया टॉयलेट जाना है, तो मैंने ठीक है जाइए। जब ये बाहर निकल गया तो मैंने भैया लॉक लगा दो इसमें, तो लॉक लगाने पर ही बोले मैं वर्दी वाला हूँ, मैं लॉक लगाऊँ, और इन्होंने मेरे ऊपर थप्पड़ मार दिया तुरंत ही और गाली गलौज करके तुरंत ही झगड़ा करने लगा। ये सांसद है यहाँ पर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.